मंडियों की 5 जून 2020 को देश में जो कृषि कानून आए और 20 सितंबर 2020 को वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों में वो कानून बन गए। पहला कानून स्पष्ट है कि मंडियों के बाहर व्यापार की आज़ादी मिली और कई वर्षों से जो मंडी शुल्क समाप्त करने की हम लोग मांग कर रहे थे, पहले कृषि कानून के तहत ही वो मंडी शुल्क समाप्त हो गया और मंडी की अधिनियम से आज़ादी मिली, मंडी के प्रपत्रों से आज़ादी मिली, मंडी के जो लगाम सचल दल द्वारा लगाई जाती थी उससे आज़ादी मिली, उनका हमने स्वागत किया, उसका समर्थन करते हैं। और दूसरा कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3/7 जिसका हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि ये समाप्त कर दी जाए, वो भी समाप्त कर दी गई। इसलिए कृषि कानूनों का हम पूर्णतया समर्थन कर रहे हैं। आज उसी के समर्थन में हमने ये मार्च निकाला, रैली निकाली और अपील करी है कि कल जो भारत बंद की कॉल की जा रही है वो बंद ना करें। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के व्यापारी और उत्तर प्रदेश के किसान कृषि कानूनों के पक्ष में, ये बात बताने के लिए हमने रैली निकाली और ये ज्ञापन एक पूर्णतया समर्थन में, और कुछ संशोधन की बात करते हुए हमने दो ज्ञापन दिए हैं। ये राघवेंद्र मिश्र जी इस एरिया के एसीपी हैं, उनको ज्ञापन दिए, ये ज्ञापन हमारा सरकार तक पहुंचाएंगे। अभी आप कहां जा रहे हैं? बस ये हम लोग यहां तक आ करके यहां हमको रोका गया कि आगे प्रतिबंधित एरिया यहीं पर आप समाप्त करिए, इसलिए समाप्त करके जहां से हम लोगों ने शुरू किया था वहीं जा रहे हैं। अपना परिचय दे दीजिए। ज्ञानेश मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश खाद्य पदार्थ उद्योग व्यापार मंडल का, प्रदेश का वरिष्ठ महामंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल।